कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम रिवाइज करेंगे मतलब चैप्टर नंबर 2 ऑफ कस्टम, डेट फॉर डिटरमिनेशन ऑफ रेट या टैरिफ वैल्यू एंड असेसमेंट अंडर कस्टम सर। तो ऐसे बच्चे जो हमारे लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं उनको बता देता हूँ कि जिस समरी बुक से हम पढ़ने वाले हैं, स्मार्ट समरी बुक ऑफ कस्टम, तो इसकी फ्री PDF कॉपी जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे आपको मिल जाएगी सर। ठीक है, उस ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सर। अगर आपको इसकी हार्ड कॉपी बाय करनी है तो हमारी वेबसाइट www.shivamnapaclasses.com से आप इसको बाय कर सकते हैं सर। चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सेक्शन नंबर 15 और 16 है सर, जो बोलता है सर हम डेट कौन सी लेंगे फॉर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ ड्यूटी सर या टैरिफ वैल्यू सर। तो किस डेट का हम रेट लेंगे फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी सर। ठीक है, तो यहाँ पे एक केस होता है इंपोर्ट का, एक केस होता है एक्सपोर्ट का। पहले हम देख लेते हैं सर इंपोर्ट का केस क्या होगा। देखिएगा, हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर जब आप इंपोर्ट करते हैं तो वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्लैरिफाई किया था कि इंपोर्ट स्टार्ट होता है जब आपका शिप है, जो वेसल है, वो क्रॉस करता है जो 12 नॉटिकल माइल्स की लाइन है, देन आपका इंपोर्ट स्टार्ट होता है सर। तो कंप्लीट कब होता है? जब जो गुड्स है वो आपके कस्टम बैरियर में पहुंच जाता है, आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो, तब आपका जाके जो इंपोर्ट है वो कंप्लीट होता है सर। ठीक है जी, तो कई बार क्या होता है कि हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 46 के अंदर जो बिल ऑफ एंट्री है सर, आई रिपीट, जो बिल ऑफ एंट्री है वो आपको प्रायर फाइल करनी पड़ती है। अभी आपका वेसल नहीं पहुंचा है, अभी आपका वेसल, आपका शिप नहीं पहुंचा है, आपको बिल ऑफ एंट्री 30 दिन पहले ही फाइल कर देनी होती है, मतलब आपको 30 दिन का टाइम मिलता है सर। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपका वेसल 20 को आ रहा है तो इसे 30 दिन पहले तक आपने, इस टाइम के अंदर आपने जो आपकी बिल ऑफ एंट्री है वो फाइल कर लेनी है। अगर आप लेट फाइल करते हैं या इस दिन फाइल करते हैं तो आपको चार्जेस पे करने होते हैं सर, एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करने होते हैं। ठीक है, ये मैंने देखा फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो बिल ऑफ एंट्री तो पहले ही फाइल कर रहे हो और आपको जो वेसल है वो बाद में इंडिया में आ रहा है, इन डेट केस क्या होगा? अगर आपने बिल ऑफ एंट्री बाद में फाइल करी तो इन डेट केस क्या होगा, इसमें हम देख लेते हैं। तो हम देख रहे हैं गुड्स एंटर्ड फॉर होम कंजम्पशन सर। ठीक है जी, तो बिल ऑफ एंट्री आपने फाइल करी है बिफोर एंट्री इनवर्ड, जो हमारा वेसल होता है उसके केस में एंट्री इनवर्ड होता है, जो हमारा एयरक्राफ्ट होता है या हमारा व्हीकल होता है उसके केस में अराइवल होता है सर, क्योंकि उसके केस में एंट्री इनवर्ड नहीं होता। ठीक है जी, तो आपका जो वेसल है उसको बिल, आपका जो वेसल है उसको भी एंट्री इनवर्ड नहीं मिला है, आपने पहले ही जो बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी है, मींस आपने एडवांस बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी है, आपने प्रायर बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया है, इन दैट केस जिस दिन आपका जो वेसल है उसको एंट्री इनवर्ड मिल रहा है या फिर जिस दिन आपका जो एयरक्राफ्ट है या फिर आपका जो व्हीकल है वो आ रहा है सर, उस दिन के जो रेट होंगे हम वो लेंगे सर। ध्यान दीजिएगा, आपकी बुक के अंदर ये लाइन यहाँ पे लिखी गई है और जो ये लाइन है वो यहाँ लिखी गई है, तो इसको आप एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। ये बात उन बच्चों को बोल रहा हूं मैं जिनके पास फ्री PDF कॉपी है सर, उसके बारे में बता रहा हूँ सर मैं। तो लाइन ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा सर। ये लाइन यहाँ पे आएगी, ये लाइन यहाँ पे आएगी, ये एक्सचेंज हो गई थी गलती से। ठीक है जी, तो मैं बात कर रहा हूँ सर जो बिल ऑफ एंट्री है सर, वो अगर आपने प्रायर फाइल कर दी है, वो आपने प्रायर फाइल कर दिया है, तो जिस दिन आपके वेसल को एंट्री इनवर्ड मिलेगा या जिस दिन आपका एयरक्राफ्ट का अराइवल होगा, आपके व्हीकल का अराइवल होगा, उस दिन का हम रेट लेंगे सर। ठीक है जी, अगर आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया होगा आफ्टर एंट्री इनवर्ड या अराइवल सर, उस केस में हम लेंगे जिस दिन आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे उस दिन का जो रेट होगा हम वो लेंगे सर, डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री सर। ठीक है जी, तो ये केस है सर होम कंजम्पशन का सर। सेकंड केस यहाँ पे आता है गुड्स क्लियर फॉर वेयर हाउस सर, फ्रॉम वेयर हाउस, जब आप गुड्स लेके आते हैं, अब आपको, आपके पास पैसे नहीं है पेमेंट करने के लिए, तो आप क्या फाइल कर रहे हैं? बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउस, इसको हम बोलते हैं इनटू बाउंड बिल ऑफ एंट्री सर। तब आप पेमेंट नहीं करते हैं, आई रिपीट, तब आप पेमेंट नहीं करते हैं। आप पेमेंट कब करते हैं? जब आप गुड्स को क्लियर करवाते हैं फ्रॉम वेयर हाउस, आप फाइल करते हैं एक्स बाउंड बिल ऑफ एंट्री। ठीक है, तो जिस दिन आप गुड्स को क्लियर करा रहे हैं फ्रॉम वेयर हाउस, उस दिन के जो रेट होंगे आपको उस रेट से पे करना होगा सर। सो डेट ऑन विच बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इज फाइल्ड एक्स बाउंड बिल ऑफ एंट्री, जिस दिन आप गुड्स क्लियर करा रहे हैं फ्रॉम वेयर हाउस, उस दिन के रेट से आपको पे करना होता है सर। ठीक है, बाकी अदर केस होगा
उस दिन क्या होगा, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी, जिस दिन आप ड्यूटी को पे कर रहे हैं उस दिन के हम रेट लेंगे सर। मैंने आपको क्लास में एग्जांपल दिया था कि जैसे कि कोई गुड्स आपको समुद्र में पड़ी मिली सर, आप उसको लेके आ गए तो उसमें आप बिल ऑफ एंट्री तो फाइल करोगे नहीं, तो इसमें वो के साथ हैं जहां पर बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं होती सर, तो आप गुड्स समुद्र उठा के ले आए पर आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी इसके ऊपर, तो वो आता है अदर के अंदर सर। सो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी सर, उस दिन के आपको रेट लेने होंगे सर। बात क्लियर है आपको? तो ये था हमारा इंपोर्टर केस, इसको आप क्रैक कर लेना सर। हाँ जी, हम देखते हैं एक्सपोर्ट सर। सो नॉर्मल केस में क्या होता है, डेट ऑफ लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर सर, शिपिंग बिल का दिन हम नहीं लेंगे सर, आपने शिपिंग बिल फाइल करा उस दिन का हम नहीं लेंगे। जब आपको मिलता है लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, जब आप उस पर ड्यूटी पे कर देते हैं, जो ऑफिसर है उसको वेरीफाई कर देता है कि आप जो गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो प्रोहिबिटेड नहीं है सर, जिस दिन आपको लेट एक्सपोर्ट मिलता है चलो एक्सपोर्ट करें सर, चलो एक्सपोर्ट करें, जिस दिन आपको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलता है उस दिन का हम रेट लेते हैं सर। बाकी अदर केस होगा तो हम लेंगे सर डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी सर। ठीक है, तो ये बात थी हमारी कि हम रेट ऑफ ड्यूटी किस डेट का लेंगे सर, जो रेट ऑफ ड्यूटी हम किस डेट का लेंगे सर। अब बात आती है सर जो रेट ऑफ एक्सचेंज है सर, वो हम कौन सा लेंगे सर। ठीक है, तो आपको ऑलवेज 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 जो सीबीआईसी के रेट ऑफ एक्सचेंज है, जो सीबीआईसी के रेट ऑफ एक्सचेंज है वो आप लेना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर आरबीआई का गिवन होगा, बैंक का गिवन होगा, वो आपने इग्नोर करने हैं। जो सीबीआईसी का गिवन है आपने हमेशा 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 सीबीआईसी के जो रेट गिवन है वो ही लेने हैं सर। ठीक है जी, तो इसमें दो केस होंगे, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं या आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर। सो अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी फॉर होम कंजम्पशन या फिर वेयर हाउसिंग सर, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी, चाहे फाइल करियो होम कंजम्पशन, चाहे फाइल करियो इनटू बाउंड बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग सर, वेयर हाउस में डालने के लिए, जब आपने पहली पहली एंट्री फाइल करी, जब आपको पहला पहला प्यार हुआ सर। ठीक है जी, इसको याद रखना, जब आपको पहला पहला प्यार हुआ, आपने पहली पहली एंट्री फाइल करी, उस दिन का आपने रेट लेना है सर। ठीक है, वैसे ही आपके एक्सपोर्ट के अंदर डेट ऑन विच शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट इज फाइल सर, पहली पहली एंट्री यहां फाइल करी, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट केस में क्या होता है सर, बिल ऑफ एक्सपोर्ट होता है या फिर शिपिंग बिल होता है, तो इसमें एंट्री क्या होती है, शिपिंग बिल या फिर बिल ऑफ एक्सपोर्ट। जब पहली पहली बार आपने शिपिंग बिल फाइल करा या फिर बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करा, उस दिन का रेट आप लोगे सर। ठीक है जी, इसको आप याद रखना। इस पूरे की समरी मैंने इस टेबल के अंदर दी है सर, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो गुड्स एंटर फॉर होम कंजम्पशन, ठीक है, इसमें दो केस होंगे, अगर आप फाइल कर रहे हैं आफ्टर एंट्री इनवर्ड, मतलब कि आपका वेसल आ चुका है, आपका जो एयरक्राफ्ट है, जो आपका व्हीकल है, उसका अराइवल हो चुका है, उसके बाद अगर आप फाइल कर रहे हैं, तो डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, जिस दिन आप बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हैं उस दिन का हम ड्यूटी का रेट लेंगे सर, उस दिन हम ड्यूटी का रेट लेंगे सर। ठीक है, हम एक्सचेंज कौन सा लेंगे, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री, जब पहली पहली बार आपने एंट्री फाइल करी सर। अगर आपकी बिल ऑफ एंट्री बिफोर एंट्री इनवर्ड है, मतलब कि अभी आपका वैसल अभी आया ही नहीं है, इन डेट केस क्या होगा, डेट ऑफ गारंटी ऑफ एंट्री इनवर्ड या फिर अराइवल ऑफ व्हीकल या फिर एयरक्राफ्ट सर, जिस दिन आपका व्हीकल आएगा, आपका जो वैसल है उसको एंट्री इनवर्ड मिलेगा, उस दिन का हम रेट लेंगे सर। जो आपका एक्सचेंज रेट कौन सा रहेगा, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री, जब पहली पहली बार आपने एंट्री फाइल करी सर। ठीक है, इफ गुड्स क्लियर फ्रॉम वेयर हाउस, तब हम कौन सा रेट लेते हैं ड्यूटी का, एक्स बोर्ड बिल ऑफ एंट्री सर, एक्स बोर्ड बिल ऑफ एंट्री सर, जब आपने गुड्स को क्लियर करवाया फ्रॉम वेयर हाउस सर। पर जो रेट ऑफ एक्सचेंज हम वो कौन से लेंगे सर, हम लेंगे इनटू बोर्ड बिल ऑफ एंट्री, जब पहली पहली बार आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी, पहली पहली बार आपको प्यार हुआ सर। ठीक है, इस बात को पैसे ध्यान रखना। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स का, उस केस में क्या करेंगे हम, डेट ऑफ लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, चलो एक्सपोर्ट करें सर, चलो एक्सपोर्ट करें, जिस दिन आपको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा उस दिन के आपने ड्यूटी के रेट लेने हैं सर। ठीक है, एक्सचेंज रेट को सर लोगे आप, डेट ऑफ फाइलिंग द शिपिंग बिल, पहली पहली एंट्री फाइल करी सर आपने। ठीक है, उस दिन के हमने लेने हैं एक्सचेंज रेट सर। ये टेबल आपने बाय हार्ट लर्न कर लेनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बड़े क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, तो रेट ऑफ ड्यूटी आपने इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है, जो एक्सचेंज रेट होता है वो आपने इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है सर। तो एग्जाम से जाने पहले तब भी आपने इस टेबल के ऊपर देख लेना सर, जस्ट इस टेबल को आपने लर्न कर लेना सर। ठीक है जी, चलेगा, हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें आप एक करेक्शन कीजिएगा, यहाँ को 10 को कर दीजिए आप 8 सर, और यहाँ पे 10 को कर दीजिए 20,
स्टेनो कर दीजिए आप 8, स्टेनो कर दीजिए 20 सर, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है अगेन। तो आपका जो वेसल है वो एंटर करा इस 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर ऑन 15 मार्च सर, तब रेट थे यहां पर 20% एंड एक्सचेंज रेट थे यहां पर 64.80 सर, ठीक है। आपके वेसल को मिला एंट्री इनवर्ड सर ऑन 18 मार्च, यहां पर रेट थे ड्यूटी के 20% और यहां पे एक्सचेंज रेट था 64.80 सर, ठीक है, सेम थे दोनों टाइम। और आपने जो बिल ऑफ एंट्री फाइल करी सर, जो आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी, जो इंपोर्टर है इसने करी 20 ऑफ सेकंड मंथ, मतलब ये जो बिल ऑफ एंट्री है वो प्रायर या फिर एडवांस बिल ऑफ एंट्री है सर, एडवांस बिल ऑफ एंट्री है, पहले ही फाइल कर दी, तब थे यहां पर ड्यूटी रेट 10% और यहां पे थे एक्सचेंज रेट 64.20 सर, 64.20 सर। तो देखिएगा, तो हम कौन सा रेट लेंगे सर यहां ड्यूटी का, हम लेंगे अगर हमारी जो एंट्री है बिल ऑफ एंट्री है वो प्रायर है, पहले ही फाइल कर दी आपने, तो जिस दिन आपके वेसल को एंट्री इनवर्ड मिला या फिर जिस दिन आपका एयरक्राफ्ट का अराइवल हुआ, व्हीकल का अराइवल हुआ, उस दिन के हम रेट लेंगे सर। तो यहाँ 20% रेट है, जब आपको एंट्री इनवर्ड मिला तो हम यहाँ पे 20% लेंगे सर। और आपका जो रेट है डॉलर का, जब पहली बार आपने एंट्री फाइल करी सर, यहाँ रेट था 64.20, तो हम लेंगे 64.20 सर, बात क्लियर है आपको। तो ये हमारा एग्जाम्पल था सर इम्पोर्ट का। नेक्स्ट मेरा एग्जाम्पल है सर एक्सपोर्ट का, जो ये मिस्टेक है यहाँ 20% या 18%, जो बच्चे पास फ्री पीडीएफ कॉपी है ये खाली उसमें मिस्टेक है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। देन हमारा सेकंड एग्जांपल है एक्सपोर्ट का सर, जो एक्सपोर्टर है सर उसने फाइल करी यहाँ पर शिपिंग बिल सर, डेट थी 20 ऑफ सेकंड मंथ 23, रेट था 10% और यहाँ पर एक्सचेंज रेट था सर हमारा 64.20। जब हमारे वेसल को मिला लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, चलो एक्सपोर्ट करें सर, ये मिला 5th of 3rd month को सर, रेट थे 15%, एक्सचेंज रेट था यहाँ पर 64.80 सर। जब इसने इंडिया को क्रॉस किया तब यहाँ पे डेट थी 20 ऑफ 3rd March, 10% रेट थे, 64.80 हमारा एक्सचेंज रेट है सर। तो बताइएगा यहाँ पे हमारे ड्यूटी के क्या रेट होंगे। देखिएगा, जब आपको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला, चलो एक्सपोर्ट करें, कब मिला आपको 5th of 3rd March को सर, तो 15% हमारे यहाँ पर ड्यूटी के रेट होंगे, डेट ऑफ लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर सर, ठीक है जी। एक सेकंड हुएगा, ये भी आप करेक्ट कीजिए, यहाँ पे डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री नहीं आएगा, यहाँ पर एंट्री इनवर्ड आएगा सर, एंट्री इनवर्ड, ठीक है, कुछ मिस्टेक थी, कोई बात चलेगा। सो यहाँ पे आपका एक्सचेंज रेट आएगा सर 64.20, जब पहली बार आपने एंट्री फाइल करी सर, 64.20 सर, ठीक है जी, ये आपका आएगा एक्सचेंज रेट यहाँ पर, ओके, ठीक है जी। तो मैंने आपको जो मार्क कराई मिस्टेक, वो आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है जी, और कोई मिस्टेक नहीं है, कोई ऐसी मुझे मिस्टेक मिलेगी बुक के अंदर तो अगर आपके पास पीडीएफ कॉपी है तो आपको मैं ठीक करवा दूंगा सर, ठीक है, आप चिंता मत कीजिएगा, जो कोई ऐसी मिस्टेक होगी तो आपको मैं ठीक करवा दूंगा। देखिएगा, नेक्स्ट हमारा आ रहा है सर सेक्शन नंबर 17 सर, तो असेसमेंट ऑफ ड्यूटी। तो हमने देखा था कि जो कस्टम है उसके अंदर जो हमारी असेसमेंट होती है, हम सेल्फ असेसमेंट करके ड्यूटी को पे करते हैं सर। तो मीनिंग क्या इसका सर, असेसमेंट मींस क्वांटिफिकेशन ऑफ ड्यूटी पेबल, कि आपकी ड्यूटी की वैल्यू को निकालना सर। तो प्रोसेस ऑफ असेसमेंट इंक्लूड द डिटरमाइनिंग, तो इन चार बातों का हम ध्यान रखते हैं जब हम जो ड्यूटी है उसकी वैल्यू को निकाल रहे हैं सर। पहला यहां पे आता सर क्वांटिटी या वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट, कि कितनी आप क्वांटिटी लेके आए हैं और किस वैल्यू पर आप, जो आपका गुड्स लेके आए हैं उसकी क्या वैल्यू है या क्या उसकी क्वांटिटी है क्या। सेकंड यहां पे आता सर टैरिफ क्वांटिफिकेशन, कई बार क्या होता है कि जो हम गुड्स लाते हैं उसके ऊपर जो ड्यूटी है वो परसेंटेज से चार्ज नहीं होती, वो चार्ज होती है पर केजी, पर मीटर। लाइक आप कपड़ा लेके आ रहे हैं या फिर आप कोई गुड्स ऐसे लेके आ रहे हैं जो पर केजी चार्ज होती है सर, ठीक है, उस केस में क्या होता है हम निकालते हैं टैरिफ की वैल्यू। तो आप निकालो कितनी क्वांटिटी है आपकी, आप लाए हैं 100 kg तो पर केजी 10 rupees है, तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकालते हैं, इस केस में जो परसेंटेज होता है वो नहीं होता सर। देन डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ ड्यूटी कंसिडरिंग एग्जम्पशन, अबेटमेंट या फिर एमिशन सर,
जो ड्यूटी का रेट डिटरमाइन करोगे वो कंसीडर करोगे आपको एग्जेम्पशन तो नहीं मिली हुई, या फिर आपके गुड्स डैमेज हो गए हैं वहां पर उतरते वक्त, या फिर आपको कोई और गवर्नमेंट ने अबेटमेंट दिया है सर, इसके अलग से सेक्शन है आपके, उसमें हम इसको डिटेल में देखेंगे सर बाद में आने वाले चैप्टर्स के अंदर, कि अगर आपके गुड्स डैमेज हो गए हैं, आपके वहां पर गुड्स की अनलोडिंग कर रहे थे, या फिर जो आपका वेयर हाउस है वहां पे गुड्स आपके डैमेज हो गए हैं, इन डेट केस आपको क्या मिल जाती है, अबेटमेंट मिल जाती है आपको, रिमिशन मिल जाता है सर, ठीक है जी। वेदर फॉर होम कंजम्पशन या फिर वेयर हाउस सर, तो आपने डिसाइड करना है कि आपने घर जाना है या इसको आपने वेयर हाउस में लेके जाना है, तो इन चार बातों को ध्यान में रखकर आपने जो आपकी ड्यूटी का असेसमेंट आपको करना है, आपको सेल्फ असेसमेंट करना है सर, आपको सेल्फ असेसमेंट करना है सर। तो प्रॉपर ऑफिसर में वेरीफाई ऑन सैंपल बेसिस एक्सट्रैक्टेड थ्रू रिस्क इवैल्यूएशन सिस्टम, जो पीओ है वो चेक करेगा, सभी का चेक नहीं करेगा, जो उसको उसको डाउट होगा तो सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम है जिसका नाम उसको निकाल के देगा, सिर्फ उसका रीचेक करेगा सर। प्रॉपर ऑफिसर में आस्क इंपोर्टर एक्सपोर्टर एंड अदर पर्सन टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट सर, तो किससे भी कोई भी डॉक्यूमेंट वो मांग सकता है सर। इफ फाउंड सेल्फ असेसमेंट नॉट करेक्ट सर, प्रॉपर ऑफिसर रीअसेस द ड्यूटी, ठीक है जी, अगर उसे लगेगा कि आपने जो ड्यूटी निकाली है वो सही नहीं है, इन दैट केस जो आपने ड्यूटी निकाली है उसको दोबारा से वो कैलकुलेट करेगा सर। अगर जो इंपोर्टर है एक्सपोर्टर है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, अगर उसने ड्यूटी रीअसेस करी पर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, आप इंपोर्टर या एक्सपोर्टर हैं पर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, इन दैट केस देयर इज नो स्पीकिंग ऑर्डर बाय द ऑफिसर। लेकिन 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 अगर आपने, अगर आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं और आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आपने निकाले थे 100 रुपीज और वो मांग रहा है 200 रुपीज, आप कह रहे हैं सर मैं करेक्ट हूं, जो ऑफिसर है वो तुम गलत हो सर, ऑफिसर को आप बोल रहे हो कि तुम गलत हो, इन दैट केस जो हमारा ऑफिसर है वो पास करेगा यहां पर स्पीकिंग ऑर्डर बाय ऑफिसर विद इन 15 डेज सर। इसका मीनिंग होता है कि ये उसका फाइनल ऑर्डर होगा सर, ये उसका फाइनल ऑर्डर होगा, वो कह रहा है कि मेरा फाइनल ऑर्डर है, तुमको जो करना है कर लो, तुमको मेरे खिलाफ अपील फाइल करनी है ट्रिब्यूनल के अंदर तो अपील फाइल कर सकते हो, ये मेरा लास्ट ऑर्डर है, मैं इसमें कुछ भी चेंजेज नहीं करूंगा, मैं तो 200 लेके ही मानूंगा सर, मेरा 200 लेके ही मानूंगा सर, इसको बोलते हैं स्पीकिंग ऑर्डर सर। तो उसको 15 दिन के अंदर ये ऑर्डर देना होगा सर, देन आप इसमें फाइल कर सकते हैं अपील वगैरह जो आपके सिलेबस में नहीं है सर, ठीक है। देन यहां पे आता सर प्रोविजनल असेसमेंट ऑफ ड्यूटी सर, स्टडी में का क्वेश्चन भी आपका, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे केस है जहां पर जो आपकी ड्यूटी है उसका असेसमेंट होगा प्रोविजनली, प्रोविजनली इसको हम बोलते हैं टेम्परेरी। तो इस केस में क्या होता है कि एग्जांपल लीजिएगा कि आप यूट्यूब निकाल नहीं पा रहे हैं, तो आपने 10 रुपीज पे कर दिए, तो आपको ऑफिसर ने बोला कि आप 10 रुपीज पे कर दीजिए एक बार, प्लस साथ में आप दोगे सिक्योरिटी, ठीक है। जब आपकी फाइनल अमाउंट निकलेगी, अगर आपकी फाइनल अमाउंट निकलती है 14 रुपीज तो आप 4 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर दोगे, अगर आपकी कम निकलती है 8 रुपीज तो आपको 2 रुपीज वापिस मिल जाएंगे सर, ठीक है जी, ये ऐसे वर्क करता है। तो कौन कौन से ऐसे केस है जहां पर आपका जो असेसमेंट होता है वो होता है प्रोविजनल असेसमेंट। देखिएगा, एसएससी अनेबल टू मेक सेल्फ असेसमेंट एंड मेक रिक्वेस्ट इन राइटिंग टू प्रॉपर ऑफिसर। आप जो इंपोर्टर हैं, आप खुद जिसकी वैल्यू है आप नहीं निकाल पा रहे, आपको ड्यूटी के रेट ही नहीं मिल रहे सर, तो आप रिक्वेस्ट करेंगे राइटिंग के में, प्रॉपर ऑफिसर कंसीडर इट नेसेसरी सब्जेक्ट टू केमिकल और अदर टेस्ट सर। जो प्रॉपर ऑफिसर है वो चाहता है कुछ टेस्ट करना, मैंने आपको क्लास में एग्जांपल दिया था कि जो हमारे ऑयल्स वगैरह आते हैं, जो होते हैं एडिबल ऑयल्स, जो खाने वाले ऑयल्स होते हैं, उसमें ग्रेड होती है कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, आप उसको बोल तो दी रहे हैं पर उसको डाउट है कि शायद वो ए ग्रेड का है, क्योंकि यहाँ पे जो ड्यूटी का रेट है वो ज्यादा है सर। That's why, वो आपको कोई टेस्ट करना चाहता है, That's why कहता है कि अभी आप 10 रुपीज पे कर दीजिए, आप सिक्योरिटी जमा करवा दीजिए, बाकी हम बाद में देख लेंगे सर, हम बाकी बाद में देख लेंगे। नेसेसरी डॉक्यूमेंट आपने और जो है जो इंफॉर्मेशन है वो आपने प्रोवाइड कर दी है, जो भी डॉक्यूमेंट जो भी इंफॉर्मेशन प्रोफेसर ने मांगे हैं वो आपने प्रोवाइड कर दी है सर, लेकिन फिर भी जो ऑफिसर वो चाहता है इंक्वायरी करना, ठीक है जी, इन दैट केस हम क्या करेंगे, जो प्रोविजनल असेसमेंट है वो कर देंगे सर, या फिर जो डॉक्यूमेंट है जो इंफॉर्मेशन है वो आपने प्रोवाइड नहीं करी है सर, यहाँ प्रोवाइड कर दी थी पर जो ऑफिसर है वो चाहता है कि अभी वो और इंक्वायरी करेगा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा सर। और फोर्थ केस में क्या है सर, आपने इन्फो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड ही नहीं करे सर, वो कहता है कि जब मुझे डॉक्यूमेंट मिलेंगे उसके बाद ही मैं इसको फाइनलाइज करूंगा सर। इन चार केस में क्या होगा, आपकी जो ड्यूटी है वो प्रोविजनली असेस की जाएगी सर।
ठीक है. सो इंपोर्टर एक्सपोर्टर शेल सबमिट सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर डेफिशिएंसी. कि आप यहां 10 रुपीज तो पे कर रहे हैं, साथ में आपको सिक्योरिटी देनी होगी, कोई बैंक की गारंटी देनी होगी सर, ठीक है. एंड पे द प्रोविजनली ऑर्डर ड्यूटी सर, ये 10 रुपीज आप पे कर दोगे और सिक्योरिटी आपके साथ में जमा करा दोगे सर. ऑन फाइनलाइजेशन ऑफ असेसमेंट तब क्या होगा सर, स्टडी मेटा क्वेश्चन भी आपका गेन. अगर आपकी ड्यूटी की अमाउंट है, एग्जाम्पल लीजिएगा, आपने 10 रुपीज पे किया था, पर आपकी जो ड्यूटी की अमाउंट है सर वो यहाँ पे आ रही है सर 14 रुपीज सर, जो 4 रुपीज एक्स्ट्रा हैं वो आप पे कर दोगे, जो 4 रुपीज एक्स्ट्रा हैं वो आप पे कर दोगे, लेकिन साथ में आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा एट द रेट 15% पर एनम से सर, ठीक है जी. जो आपका इंटरेस्ट है वो कब से कब तक आप पे करोगे, देखिएगा, फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच ड्यूटी डिटरमाइंड प्रोविजनली टू द डेट ऑफ पेमेंट. जिस मंथ में आपको जो ड्यूटी है वो डिटरमाइन की गई प्रोविजनली, एग्जाम्पल लीजिएगा 20 दिसंबर को आपकी जो ड्यूटी है वो प्रोविजनली डिटरमाइन की गई सर, तो आपको इंटरेस्ट कब से चार्ज होगा, 1 दिसंबर से सर, जिस मंथ में आपकी ड्यूटी प्रोविजनली चार्ज की गई उस महीने के 1st day से सर, मतलब 1 दिसंबर से. और अगर आपने पेमेंट करी 10th of January को तो आपको चार्ज करना होगा 41 days का आपको इंटरेस्ट पे करना होगा. बहुत ही गलत बात है ये वैसे, पर आपको पे करना होगा सर, ठीक है जी, 1st day से पे करना होगा, पूरा डेट ऑफ पेमेंट आपको पे करना होगा सर. अगर आपने 10 रुपीज पे किए थे और आपकी जो ड्यूटी है वो कितनी डिटरमाइन हुई है, 8 रुपीज सर, इन दैट केस क्या होगा, जो आपके 2 रुपीज है वो आपको रिफंड मिल जाएंगे, साथ में आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 6% से इंटरेस्ट मिलेगा. ये कब से कब तक मिलेगा, अगर देखिएगा आज यहाँ पर 10th of January है सर, 10th of January है, तो आज आपका जो असेसमेंट है वो कंप्लीट हो गया सर, आज आपकी जो 2 रुपए लेने की आपको राइट मिल चुके हैं. अगर आने वाले 3 महीने के अंदर, मतलब 10th of Feb, 10th of March, 10th of April तक, 10th of April तक अगर आपको पैसे मिल जाते हैं तो कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. जब आपका असेसमेंट कंप्लीट हुआ उसके 3 महीने के अंदर अगर आपको पैसे मिल जाते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, अगर आपको उसके बाद पैसे मिलते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा सर, ठीक है जी. डेट 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ फाइनल असेसमेंट टू रिफंड डेट सर, ठीक है. तो इसकी प्रोसेस क्या है सर, आपके फाइनल असेसमेंट की सबसे पहले वो आपको देगा 15 दिन जो ऑफिसर है, आज आपका जो असेसमेंट है वो स्टार्ट हुआ सर, तो यहां से आपको मिलेंगे 15 दिन सर. तो इस टाइम के अंदर जो डॉक्यूमेंट है वो आपसे मांगेगा जो ऑफिसर है, तो अगले 15 दिन के अंदर आपने डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड करना है. इन्फो एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड विद इन 1 month सर, ये देखिएगा, फ्रॉम डेट ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट. एग्जाम्पल लीजिएगा आज 1st day है जनवरी का सर, तो आज से 15 दिन के अंदर जो ऑफिसर है वो आपसे डॉक्यूमेंट मांग सकता है, और अगले 15 दिन के अंदर आपने जो डॉक्यूमेंट है वो आपने प्रोवाइड करने हैं. लिखो 1 month फ्रॉम डेट ऑफ प्रोविजनल ऑर्डर, यहां से 1 month के अंदर आपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं सर, यहां तक सर, ठीक है, 31st of January तक. बाकी इसमें एक्सटेंशन मिल सकता है 3 months का, फर्दर 3 months बाय JC एडिशनल कमिश्नर या एक्सटेंशन बाय द कमिश्नर. नाउ जो ऑफिसर होगा वो फाइनल असेसमेंट करेगा विद इन 2 months, यहां से लेकर 2 months के अंदर वो फाइनल असेसमेंट करेगा सर, प्लस एक्सटेंशन बाय द कमिश्नर 3 months का. तो इस टाइम पीरियड के अंदर वो क्या क्या करेगा सर, वो इंटीमेशन करेगा, कोई टेस्ट करेगा, कोई इंक्वायरी करनी है, कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है, कुछ वेरिफिकेशन करना है, तो ये सारे काम उसको इस 2 month के अंदर प्लस एक्सटेंशन के अंदर उसने कंप्लीट करने हैं सर, ठीक है. अगर जो एक्सपोर्टर है इंपोर्टर है वो कंप्लाई नहीं करता रेगुलेशन को, इन डैट केस उस पर लगाई जाएगी पेनल्टी सर, अप टू 50,000 रुपीज सर. नोट, यहां पे आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी ईच बिल ऑफ एंट्री है या फिर आपका ईच शिपिंग बिल है सर, इज कंसीडर एज सेपरेट केस सर, हर एक बिल ऑफ एंट्री को हम सेपरेट केस मान के ट्रीट करेंगे सर, ठीक है जी. यहां मैंने एग्जाम्पल दिया है, उसके बाद इसको हम एंड करेंगे सर. देखिएगा, जो मोरिस लाल है उसने इंपोर्ट करे हैं फ्रॉम जर्मनी सर, एंड फाइनली रीअसेस फॉर 2 consignment, वो 2 consignment लेके आया है जर्मनी से लेके आया सर, उसका हो गया है प्रोविजनल असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट.
तो जो उसके ड्यूटी के अमाउंट यहां पे बने उसने यहां पर पे कर दिए सर, उसने यहां पर पे कर दिए, ठीक है। लेकिन जब बाद में उसका हो रहा है फाइनल असेसमेंट, ठीक है, वो लेके आया टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट नंबर वन एंड कंसाइनमेंट नंबर टू। सर देखिएगा, डेट ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट क्या है सर, 12th of December है सर। डेट ऑफ फाइनल असेसमेंट क्या है सर, 2nd of February है सर, ठीक है। उसकी ड्यूटी डिमांड आई है सर, उससे एक्स्ट्रा पैसे मांगे जा रहे हैं यहां पर फॉर फर्स्ट कंसाइनमेंट 1,80,000 रुपीज। और सेकेंड कंसाइनमेंट क्या है सर, उसका रिफंड आया सर, क्योंकि उसने पैसे एक्स्ट्रा पे कर दिए थे, यहां उसका रिफंड आया सर 4,20,000 का सर। तो डेट ऑफ रिफंड क्या है सर, मेड बाय द डेट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ने उसको किस दिन पैसे पे कर दिए, ये 4,20,000 उसको पे किया यहां पर 28th of April को सर। जो आपको पेमेंट करनी थी आपने पेमेंट कब करी इसकी 1,80,000 की, ये आपने पे करे यहां पर 5th of February को सर, 5th of February को, ठीक है। तो हमको निकालना है कि इंटरेस्ट आपने क्या पे करना है, यहां पर आपने कितना पे करना है, कितना आपको मिलेगा सर इंटरेस्ट। यहां पर हमें देखना है कि जो इंपोर्टर है वो लायबल होता है टू पे द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन एनी अमाउंट पेबल कॉन्सिक्वेंट टू रीअसेसमेंट ऑर्डर फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच ड्यूटी इज प्रोविजनली असेस्ड टिल द डेट ऑफ पेमेंट। सर देखिएगा, आपकी जो ड्यूटी है उसका प्रोविजनल असेसमेंट कब किया गया, वो किया गया 12th of December को। तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फ्रॉम 1st of December टिल पेमेंट ऑफ ड्यूटी सर। तो 1st of December से लेकर 5th of February तक सर, 5th of February तक, तो आपके बन जाएंगे 31 + 31 + 5 days 67 days सर। तो 1,80,000 15% 67/365 तो 4,956 राउंड ऑफ, ये अमाउंट आपको इंटरेस्ट पे करनी होगी सर। ये तो आप पे करोगे करोगे 1,80,000, साथ में आपको ये इंटरेस्ट भी पे करना होगा, ठीक है। तो ये बात थी आपको कितना इंटरेस्ट पे करोगे, आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा इसको हम देख लेते हैं। इफ एनी अमाउंट रिफंडेबल ड्यू टू रीअसेसमेंट इज नॉट रिफंडेड विद इन 3 months फ्रॉम डेट ऑफ रीअसेसमेंट एंड इंटरेस्ट इज पेबल टू इंपोर्टर ऑन अनरिफंडेड अमाउंट एट द रेट 6% पर एनम टिल डेट ऑफ रिफंड ऑफ सच अमाउंट सर, ठीक है जी। अगर आपको 3 महीने के अंदर पैसे नहीं मिलते देन इन दैट केस आफ्टर एंड ऑफ 3 months से आपको पैसे मिलना स्टार्ट होंगे सर, सिंस रिफंड इज मेड ऑन 28 अप्रैल सर। देखिएगा, आपका फाइनल ऑर्डर कब आया, आपका फाइनल ऑर्डर यहाँ पे आया सर 2nd of February को। तो 3 month के अंदर आपको पैसे मिल जाने चाहिए थे, मतलब 2nd of March, April and May। तो 2nd of May को हमारे 3 months एंड होते हैं सर, तो 2nd of May तक आपको पैसे मिल जाने चाहिए सर। तो आपको पैसे मिल गए 28th of April को, आपको 4 दिन पहले पैसे मिल गए, आपको 4 दिन पहले पैसे मिल गए सर। इन दैट केस आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा सर। सो आपको पैसे मिल चुके हैं विद इन 3 months, देन इन दैट केस इंटरेस्ट इज नॉट पेबल टू मोरिस लाल ऑन ड्यूटी रिफंडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ 2nd consignment। आपके स्टडी मैटर क्वेश्चन है सर, ये शायद एग्जाम का क्वेश्चन भी है, ये देखना होगा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने नोट्स में ही कवर कर दिया। तो आपको रिवाइज करते वक्त जो आप कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा और आपके प्रैक्टिस भी हो जाएगी सर, ठीक है। तुम्हारा आता है इसमें लास्ट टॉपिक सर, इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टलेस असेसमेंट। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपने डिटेल में पढ़ा होगा इसको, कि क्या होता है कि अगर हमारी जो असेसमेंट होती है, अगर हम जाते हैं ऑफिसर के पास तो उससे हम क्या करेंगे, उसको पैसे खिला देंगे और हमारा असेसमेंट करवा देंगे सर। बट इस चीज को रोकने के लिए सर, करप्शन को रोकने के लिए गवर्नमेंट लेके यहाँ पे आई है सर वेस्टलेस असेसमेंट इज मेजर कस्टम रिफॉर्म सर, वेयर बिल ऑफ एंट्री आइडेंटिफाइड फॉर स्क्रूटनी, जहां पर हमने इसकी जांच करनी है, ठीक है। हमने ऊपर देखा था ना आगे, देखिएगा जो उसका सिस्टम है सर, जो उसका रिच इवेल्यूशन सिस्टम है, जिसका नाम यहां पे आया, इसकी लॉटरी निकल गई भाई, उसका नाम फंस गया यहां पर, उसकी यहां पे की जाएगी जांच सर, ठीक है। तो असाइनेड टू असेसिंग ऑफिसर वो फिजिकली लोकेटेड एट कस्टम स्टेशन, हम उस ऑफिसर को देंगे जो वहां पोर्ट पे है ही नहीं, वो पूरे एरिया के अंदर जो कस्टम स्टेशन है वो कहीं भी बैठा हुआ है सर, ठीक है। नॉट पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन इन कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम, वो पूरे इंडिया में कहीं भी बैठा हुआ है सर। इट सेपरेट द असेसमेंट फ्रॉम फिजिकल लोकेशन टू यूजिंग
टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म सर. द इंपोर्टर विल कंटिन्यू टू फाइल डॉक्यूमेंट्स लाइक बिल ऑफ एंट्री एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑन आईस गेट सर. अगर हम देखें जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो उसका असेसमेंट होता है अगर उसका नाम उसमें आ जाता है, इन दैट केस क्या होता है, उसका असेसमेंट किया जाएगा फेसलेस असेसमेंट. मतलब पूरे इंडिया में कोई भी बैठा है ऑफिसर, ना ही अपना नाम बताएगा ना ही अपना पता बताएगा, तो वो करेगा उसका असेसमेंट सर. ठीक है जी, इससे बेनिफिट क्या क्या होंगे सर? एनोइमिटी इन असेसमेंट फॉर रिड्यूस्ड फिजिकल इंटरफेरेंस बिटवीन द ट्रेड एंड कस्टम सर. तो आप उसको जानते ही नहीं, आप उसका नाम भी नहीं जानते, आप उसको पता भी नहीं जानते, इससे क्या बेनिफिट होगा कि आप उसको पैसे नहीं खिला पाओगे. तो आप उससे मतलब कि यहाँ पे जो करप्शन है, करप्शन है वो बिल्कुल एंड हो जाएगा सर. सेकंड यहाँ पे आता सर स्पीडी कस्टम क्लियरेंस सर. पहले क्या था कि जो ऑफिसर है वो बहुत टाइम लगा देते थे. ठीक है, इस केस में क्या होगा कि टाइम कंप्यूटर में सिस्टम में पहले ही रिकॉर्ड होगा कि इस पर्सन को जो ऑफिसर है उसको इतना टाइम अलॉट हुआ है सर, इस टाइम में इसने जो असेसमेंट है वो कंप्लीट करनी है सर. थर्ड यहाँ पे आता है सर ग्रेटर यूनिफॉर्मिटी ऑफ असेसमेंट, कि किससे भेदभाव नहीं होगा क्योंकि पर्सन आपको जानता ही नहीं है सर. तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रहेगी, यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी रहेगी सर. लास्ट यहाँ पे आता है सर प्रोमोटिंग सेक्टर स्पेसिफिक या फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इन असेसमेंट सर. एग्जाम्पल लीजिएगा, आपकी जो असेसमेंट है आप है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से सर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, तो आपका जो असेसमेंट है वो कौन करेगा, एक ऐसा ऑफिसर जिसको इस लाइन में एक्सपीरियंस है सर, तो उसको हम असाइन कर देंगे तो बैटरी सिस्टम प्रमोट होगा सर. ठीक है जी, एक ऐसा ऑफिसर है जिसका एक्सपीरियंस है एग्री के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, तो उसको हम असाइन कर देंगे सारे सारे एग्री वाले केस सर, तो पूरी इंडिया में कहीं भी बैठा हुआ है तो इससे इसका बेनिफिट मिलेगा सर. तो ये चैप्टर हमारे यहाँ पे एंड होता है सर. हाँ जी, आप भूलेगा मत, इस वीडियो को आपने लाइक करना है सर. ठीक है जी, सब्सक्राइब करना चैनल को, आपने कमेंट भी करना है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, और आपने शेयर भी करना है सर. ठीक है जी, मैं आपका ऐसा करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि YouTube चलता ही ऐसे सर, अगर आप लाइक नहीं करोगे कमेंट नहीं करोगे तो ये वीडियो को प्रमोट नहीं करता सर, तो जो बाकी बच्चे हैं वो इस वीडियो का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपकी इससे हेल्प हुई हो, तो आप जरूर जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी, आप वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ. सो गुड बाय दोस्तों, बाकी वीडियो आपको मिलती रहेगी ऐसे ही, पढ़ते रहें, खुश रहें, गुड बाय दोस्तों.